18.2। आज हम इस चैप्टर को करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए कि त्रिविमीय वस्तु का नाम यहाँ दिया हुआ है, फलकों की संख्या यहाँ सब का त्रिविमीय सब दिया हुआ है, घन है, शंकु है, घनाभ है, बेलन है, चतुष्फलक है, गोला है, और फलकों की संख्या लिखना है आपको, और शीर्षों की संख्या और किनारों की संख्या। तो इसमें चलिए हम लोग पहले आते हैं घन में। तो घन में जो होता है कितना होता है फलक, तो घन में 6 फलक होता है, यहाँ आप 6 भर दीजिए। शीर्षों की संख्या कितना होता है, तो शीर्षों की संख्या जो घन होता है ये इस प्रकार से, ये जो घन रहेगा आपका यहाँ देखिए, इसको इस प्रकार से मिला देते हैं, इसको इस प्रकार से मिला दिए। तो ये सब जो किनारा सब यहाँ पर जो है ये सब, ठीक है, ये सब कितना होता है, शीर्ष जो होता है ना, ये यहाँ से यहाँ तक गया, देखिए यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक गया, तो ये कितना होता है, तो ये 8 होता है। देखिए हम, ये देखिए, नहीं, चारों साइड में 4 तो है, ठीक है ना, 4 और ऊपर में 1, 2, 6, यहाँ इसका तो फलकों की संख्या फलक हो गया। यहाँ पर शीर्ष जो होता है, ये सब जो लाइन सब जो होता है, 1, 2, 3 इस तरह करके गिनेंगे तो ये कितना होगा, 8 होगा। इसका जो किनारों की संख्या जो होता है, ये किनारा लाइन लाइन दिया हुआ है, तो 12 होता है। उसी प्रकार से शंकु का हम लोग बोलेंगे, तो शंकु का फलकों की संख्या कितना होता है, 2 होता है, और इसमें शीर्षों की संख्या कितना होता है, 1 होता है, और इसका किनारा होता है, नहीं होता है, तो इसमें क्या होगा, 0 किनारा होता है। अब ये घनाभ में, घनाभ में जो है घन और घनाभ दोनों का जो होता है सेम होता है, ठीक है। चलिए घन और घनाभ में क्या होता है, एक ही जैसा होता है। यहां पर हो जाने के बाद आप ये बेलन में कितना होता है, फलकों की संख्या 3 होता है और शीर्षों की संख्या नहीं होता है, 0 लगा दीजिए, किनारों की संख्या नहीं होता है, 0 लगा दीजिए। इसमें होता है चतुर्फलक फलकों की संख्या कितना होता है, इसमें होता है 5, और शीर्षों की संख्या क्या होगा, इसमें भी होगा 5, और किनारों की संख्या कितना होगा, 8। अब आइए गोला का एक फलकों की संख्या 1 होगा, और ये सब जो फलकों की संख्या क्या होगा, 1 होगा। इसको नहीं अच्छा से लिख लिख रहा है, मिटा देते हैं इसको। चलिए 1 होगा, आइए क्या होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ भी इसका नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका बन गया है। अब हम लोग आते हैं, 1 नंबर तो कंप्लीट हो गया, अब ये 2 नंबर में। 2 नंबर में बोला है, निम्नलिखित पासा का एक जाल है, रिक्त सतह में सही अंक भरिए ताकि पासा को जो है पूरा हो जाए। तो आप पासा को किस प्रकार से आप भरेंगे जो पूरा हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 1 का उल्टा 6 होता है, तो बीच में ये आता है, तो यहाँ लिख दीजिए 1, 1 का उल्टा क्या होता है, 6 होता है, तो यहाँ लिख दीजिए 6, ठीक है। अब कौन सा संख्या बच गया है, तो देखिए कौन सा संख्या बना, 2 बच गया, तो यहाँ लिख दीजिए 2। उसी तरह से यहाँ पर इसको लिख दीजिए जैसे है, इसको से 1, 4, उसके बाद है यहाँ 6, यहाँ लिख दीजिए 3, यहाँ 2 और यहाँ 5, ये आपका भरकर कंप्लीट हो गया। आइए अब हम लोग 3 नंबर में। 3 नंबर बोला, निम्नलिखित जालों को पहचान कर संगत त्रिविमीय वस्तु के नाम लिखिए। तो ये सब नाम क्या है, ठीक है, आपको नाम यहाँ लिखना, तो ये नाम आपको यदि जोड़ेंगे तो ये नाम क्या आएगा, घनाभ आएगा। नहीं लिखा रहा, लिखने में दिक्कत हो रहा है, लिखिए इसको, लिख देते हैं,
ये क्या हो जाएगा, घनाभ हो जाएगा। हिल जा रहा है, घना ये हो गया घना। ये क्या हो गया, ये देख साफ दिखाई दे रहा है, बेलन है। बेलन ये आपका हो जाएगा घन। ये क्या हो जाएगा आपका, वही ऊपर में जो यहां लिखा था, ये चतुष्फलक कहाँ गया, वो इस पे नहीं है, इधर है। ये हो जाएगा आपका चतुष, यहाँ कंप्यूटर में राइटिंग नहीं बन रहा है। ये आपका हो जाएगा शंकु, ये जो है शंकु हो जाएगा आपका। ये आपका हो जाएगा, सबका नाम लिख दिया फिगर देख के। अब आइए इसमें चार नंबर में, चार नंबर दिया गया अपूर्ण घन या घनाभ के जाल को पूरा कीजिए। तो आपको किस प्रकार से पूरा करेंगे, तो इसमें जो एक घर है जिसमें बना हुआ है, बनाना कैसे प्रकार का है, घन को बनाना है कैसे है, ऊपर में आप चित्र यहाँ देख सकते हैं, देखिए कैसे यह बनाया हुआ है, इसी को बना देना है। तो इसको घर को बढ़ाइए, बढ़ा दिए, बढ़ गया, उसे एक घर में काटिए इसको और एक घर ऊपर बढ़ा दीजिए। ये आपका पूरा हो गया। इसमें क्या करना है आपका, इस साइड दोनों साइड में क्या है आपको बढ़ा दीजिए, ये आपका चार नंबर भी कंप्लीट हो गया है। ये छह नंबर में बोल रहा है, 4 सेंटीमीटर वाले दो घनों को परस्पर सटा कर रखते हैं, रखते हुए एक घना बनाया गया है का गया है। थोड़ा सा देख लेना क्या लिखा है, और बढ़ेगा नहीं बढ़ रहा है, गया है। इस घनाभ का एक त्रियक चित्र बनाया है, इस प्रकार प्राप्त घनाभ के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे देखिए एक घनाभ बनाया है, घन बनाया है इस तरह से, ये घन बन गया है। सबको नीचे वाला मिला दीजिए, इसी प्रकार से यहाँ सटाके सटाके बना दिया, फिर एक तो घना बना दिया है, सॉरी घन घन बना दिया है। तो देखिए यहाँ पर दोनों का जो लंबाई जो होगा, एक घन यहाँ 4 सेंटीमीटर था, यहाँ था 4, ठीक है, और जोड़ो इसमें जोड़ेंगे और यहाँ 4, तो लंबाई क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ पर लिखिएगा, आपको आपको लिखना है ये लंबाई जो हो गया ये हो जाएगा आपका 8, और ये ऊंचाई जो है ऊंचाई 4 ही रहेगा, तो ऊंचाई जो है आपका 4 ही रहेगा, और चौड़ाई जो है यहाँ से यहाँ तक देखिए सब में इधर से ये चौड़ाई ये भी क्या रहेगा 4 रहेगा। इस प्रकार से यह ये 5 नंबर हो गया। 6 नंबर में आइए, इसमें बोला है जांच कीजिए क्या कथन सत्य है। तो देखिए एक घन का आयत के आकार का छाया दे सकता है, तो घोगोई घन है, घन में जब रोशनी पड़ेगा
तो यह किस प्रकार का आया छाया देगा, तो आयत का आकार का छाया देगा, तो ये बात सही है। घन का षष्ठभुज के आकार के छाया दे सकता है, तो घन कभी षष्ठभुज का आकार का छाया नहीं देगा। अगर धूप ज्यादा है, सूर्य का डिपेंड करता है, या टॉर्च का रोशनी या लालटेन का रोशनी से देखेंगे तो ये दो ही तरह का आकृति बन सकता है, ये घन और घन से बने गए एक आयत और वर्ग का आकार दे सकता है, लेकिन यह षष्ठभुज का आकार नहीं दे सकता है। तो ये हो गया आपका गलत। तो ये आपका 18.2 कम समाप्त हो चुका है। अब हम लोग जो है दूसरा चैप्टर में मिलेंगे। धन्यवाद।